अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ के साथ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। थोड़ा नहीं भी ठीक हूँ फैमिली, पर कोई बात नहीं है, हम इस लाइफ का, इस प्रॉब्लम का हंस के मुकाबला करेंगे और बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार, मेरी प्यारी सी फैमिली की दुआएं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह सब कुछ ठीक कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी प्रिंसेस का हो रहा था बहुत ही हसीन फ़ोटोशूट, तो मैंने कहा कि मेरी अपनी प्रिंसेस का फ़ोटोशूट हो रहा है तो मैं अपनी JKD की फैमिली को क्यों ना दिखाऊं। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ भी बेहतरीन सा शूट शेयर कर रही थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बहुत 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 सारा प्यार दीजिएगा मेरी प्रिंसेस को और बताइएगा कि उसका फ़ोटोशूट आप सबको कैसा लगा, तो ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे कुछ शॉपिंग की थी तो वो शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ। यहाँ पर हम गए थे चेस, अभी जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, तो ये हम गए थे जो गुलिस्तान जौहर में खुला है ना, मेरे ख्याल नाम पता नहीं लिखा है या नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। ये इसकी ब्रांचेस हैं, गुजरांवाला में भी है, मुल्तान में, फैसलाबाद में, नीपा, कराची, गुलशन, शहीद मिल्लत, हैदरी, सी वी यू की तरफ। तो बस कुछ थोड़ा सा सामान था तो बस यही लाए कुछ, ये बस ये इतना सा यही, ठीक है। तो जो है ना मैंने कहा चलो अपनी फैमिली को भी दिखाते हैं कि भाई क्या लेकर आए हैं। और जो है ना इनके बाबा नहीं आए अब तक, तो मैं उनका वेट कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले आप लोगों को ये दिखा देते हैं, तो इसका सील ओपन करते हैं। तो वो जो है ना डेंटिस्ट के पास गए हैं, तो आप सब दुआ कीजिएगा, उनके जो है ना दांत में बहुत ज़्यादा पेन है, तो अल्लाह ताला करे उनको आराम आ जाए इंशाल्लाह जल्दी से। तो मैं इसको ओपन करती हूँ और मुझे बताऊँ, ज़्यादा गुस्सा इसलिए भी आ रहा है कि ना मेरे फ़ोन में ना क्रेडिट भी नहीं है, ठीक है। एक फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है तो अभी दूसरा हम यूज़ करें कोई, तो जो है मैं आप लोगों को नीचे रख के आराम से दिखाती हूँ, तो उसमें क्रेडिट ही नहीं है। और सबसे जो गुस्सा आ रहा है ना वो ये कि ना नेट वाले ना ऑटोमेटिक नेट ऑफ़ कर देते हैं, अब नेट भी बंद है, तो अब ना ही जो है मेरे पास वो मौजूद है नेट, ना ही मेरे पास बैलेंस मौजूद है, तो मैं किस तरह कांटेक्ट करूं कि भाई कितनी देर है, कब तक आप आओगे। बेटी भी वेट कर करके जो है ना वो सो गई गुस्सा करके, क्योंकि ये होता है कि जब वो सुबह में आजकल अब स्कूल जा रही है तो उसके बाबा स्कूल सो रहे होते हैं, तो वो चली जाती है अर्ली मॉर्निंग्स, आपको पता है बच्चों के टाइम, और जब वो आती है तो वो ऑफिस में होते हैं, और फिर जब रात में उसको मैं जल्दी सुला देती हूँ कि भाई सुबह 6 बजे उठना होता है, तो वो बहुत गु़स्सा करती है, और तब तो वो नहीं आते ऑफिस से, तो वो उनका टाइम है 9, 9:30, 10:30 इस तरह करके। तो बस इस तरह के परेशानियां चल रही हैं, आप बताइएगा किसके घर में यही रूटीन है। तो जो है ना जब एक बच्चा हो तो फिर वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अटैच हो अपने पापा से, तो बस फिर ये इसी तरह की लड़ाइयाँ चलती हैं। तो अब मैं इतना परेशान हूँ इस वक्त, तो मैंने कहा कि ना मैं ना नमाज अदा की थी बस अभी ईशा की, तो फिर मैंने कहा परेशान नहीं होते, तो अपनी प्यारी सी फैमिली से बात करते हैं, वीडियो शूट कर लेते हैं, तब तक इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। बस फैमिली यहाँ पे ना, फिर मैंने कहा कि चलो आप सबसे ये एक दो चीज़ ही बस ली थी, असल में कुछ काम था तो वो नहीं हो सका, तो कोई बात नहीं होता है लाइफ में, तो बस ये एक अच्छा लगा था। ये भी जो है ना काउंटर की बिलिंग के पास रखे हुए थे तो ज़रूरत भी थी, पर ये होता है इन लोगों की ना बहुत ज़्यादा चलाकी होती है कि ना जहाँ पे काउंटर बिलिंग के पास रख दें ताकि ना बच्चे हों या कोई ऐसी चीज़ें कि लोग पिघल जाएं, वेटिंग पे खड़े हैं लाइन में कि हाँ भाई यार ये भी ज़रूरत है ले लो ये भी। बाहर जाके यही होता है ना कि लेना नहीं भी होगा तो दिल दमाग कहेगा नहीं नहीं ये ज़रूरत है ले लो, तो बस ये बचपना है क्या कर सकते हैं। तो फिर इसके बाबा ने कहा कि मुझे भी थोड़ा ज़रूरत होगी, तो फिर हमने ये ले लिया। और ये 6 1 2 3 4 5 6 पीस का मिला था हमें 249 रुपीज़ में, ठीक है। तो जो है ना मैं इसको अभी ओपन नहीं कर रही, तो जब मैं करूँगी ना इंशाल्लाह तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसका साइज़ वैसे साइज़ मेंशन है
साइज इसका मौजूद 2 ml लिखा हुआ है। तो जो है ना, मैं इसको ओपन इंशाल्लाह करूँगी ना, तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी। ठीक है, एक ये लिया था, और जो है ना, एक गुड़िया को अपने लिए शर्ट पसंद आ गई थी, तो मैं आप लोगों को ऐसे भी दिखा देती हूँ, पर इंशाल्लाह जब वो पहनेगी तो मैं ज़रूर अपनी प्यारी से फैमिली से शेयर करूँगी। तो भाई ये थी गुड़िया रानी की शर्ट, और ये थी वो प्यारी सी शर्ट। सिंपल है, कुछ मतलब मोती वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो बस फ्लोरल सा बेबी वाला डिज़ाइन है यहाँ पर, और गोल गला है इसका। ठीक है, ये इस तरह करके, और यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है, और स्लीव्स इसके कुछ इस तरह इलास्टिक लगी हुई है। सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल, और ऐसे फ्रॉक टाइप है फ्रिल में ना। तो मैं आप लोगों को देखती हूँ, रख के दिखाती हूँ 1 मिनट। तो भाई ये देखेंगे, ये राई गुड़िया का प्यारा सा फ्रॉक है, इस तरह से फ्रिल्स हैं, लाइंस हैं। और ये जो है ना, जब हम बेबी सेक्शन में गए तो वहाँ पे उसने खुद देख के, मम्मा ये चाहिए, देखें इसको ना, बिल्कुल सॉफ्ट था। और ये पतला सा इसमें जो है, जो पता नहीं इसको क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट्स में बताएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो बस ये उसने ख़ुद से पसंद किया कि मामा ये ले लें, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि कभी ऐसे भी करना चाहिए कि बच्चों की पसंद को भी अहमियत देनी चाहिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उसको कहती कि बेटा आप दूसरा देख लो, तो पर मुझे भी अच्छा लगा, उसके बाबा को भी अच्छा लगा, तो फिर हमने ये ले लिया। और इसकी प्राइस अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये हमें मिला है, ये देख लीजिए, 1200 में। ठीक है, एक तो ना मुझे ना ये 99 की कहानी समझ में नहीं आती, तो अगर आप लोगों को समझ आती है ना कि 99 क्या है, तो ज़रूर बताइएगा भाई। आप मतलब पूरा 299 ऐसे लगाना कि ना बस क्या कहें। और एक यहाँ पे लिया था गुड़िया के सैंडल्स। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें हमने ली थी, नहीं एक और था, दिखाती हूँ, एक और चीज़ थी बस, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये आगे आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी होंगी, आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे होंगे। तो ये गुड़िया की सैंडल ली है, और बहुत प्यारी सी थी, बहुत डेलिकेटेड थी, सिंपल थी और ख़ूबसूरत भी थी। और एक अदद मैंने अपने लिए ली है चीज़, तो आप लोग कहेंगे भाई आपने तो कुछ भी नहीं लिया। तो जी मैंने लिया है, वैसे तो मुझे पूछा गया था, पर मुझे सचेस कुछ भी ज़रूरत नहीं थी और कुछ भी नहीं चाहिए था, पर जिस काम से गए थे वो भी नहीं मिल सका। तो होता है ना कि जब आप कुछ लेने जाओ सोच समझ के, तो और वो चीज़ ना मिले, तो फिर थोड़ा सा दिल जो है फेड अप हो जाता है कि यार, मतलब आपको चक्कर भी लगा, फिर हस्बैंड को पेन भी था, उनको डेंटिस्ट के भी जाना था, फिर भी वो हमें लेके गए, तो उनका दिल से थैंक यू बहुत सारा। और जो है ना, कोई बात नहीं, लाइफ है, हो जाता है। तो बस यहाँ पे जब वीडियो बना रहे हो और कुछ ना कुछ बीच में पंगे ना होए ना, तो बस ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस जो है ना, उनका भी हम थैंक यू कर रहे थे, तो भाई आपको मैंने तब भी थैंक यू कहा, और अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, वैसे तो देखेंगे, तो दिल से बहुत सारा शुक्रिया। ठीक है, और फिर मैं, मुझे ये एक बहुत डिसेंट सा, ये अगर आपको कैमरा ना ब्लर कर रहा है थोड़ा, मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने एक अदद क्लिप लिया था, और ये इसकी प्राइस मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये मिला है 149, फिर देखें 49। एक तो ना बस क्या कहें भाई, लिख दो 150, 49 क्या होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत सारे थे वैसे, तो मुझे उन सब में ये अच्छा लगा था। पता नहीं कैमरा जूम कर रहे हैं नहीं आप लोगों को ना, अब दिखा रहे हैं। हाँ ये देखिए कितना प्यारा है ना, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा। तो बस मैंने एक ये लिया था अपने लिए, और ये देखें इस तरह का था, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, डिसेंट सा। मुझे जो है ना, ऐसी छोटी छोटी एलिगेंट सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस ये लिया था, और फिर हम घर आ गए, और इसके बाबा आए नहीं, वो डेंटिस्ट के गए हैं। तो मैं कह रही हूँ वेट, गुड़िया को खाना खिलाया, उसको सुला दिया है। तो बस आप लोगों से भी यहाँ करती हूँ अल्लाह हाफिज़, क्योंकि फिर अब मुझे जाना है, मुहर्रम का भी माशाल्लाह।
बस मुहर्रम का भी महीना है तो जो है ना बस अब कुछ जिक्र वगैरह करूँगी, तस्बीह थोड़ी सी पढ़ूँगी, एक दो सूरतें वगैरह हैं तो बस उसको करते हैं और वेट करते हैं जल्दी से तो फिर इनके बाबा आ जाएं और दुआ है अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे। आप भी अपनी बहुत सारी दुआओं में उनको याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।